कॉल था उसके बॉयफ्रेंड की मम्मी का, और मैं हैरान हो गया इस बात से कि उसके बॉयफ्रेंड की मम्मी कॉल पे रो रही थी और कह रही थी कि बेटा प्लीज़ मेरे बेटे को मत छोड़ो, उसने अपनी हालत बहुत बिगाड़ कर रही है। इन शॉर्ट वो अपने बेटे की खुशियों की भीख मांग रही थी क्योंकि इसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। मेरी तरफ से एक छोटा सा सवाल कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या अपनी मम्मी में से किसी एक को चूज करना हो तो तुम किसे चूज करोगे? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कुछ भी देख सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू वो भी अपनी मर्जी से लेके आना शायद मेरी क्या किसी की फितरत में नहीं होता। लेकिन उसका एक्स पत्नी कैसा था? एक तरफ उसकी मम्मी की बेइज्जती हुई जा रही थी, दूसरी तरफ वो रो रहा था, और तीसरी तरफ ना तो ये इसे भाव दे रही थी ना उन्हें। हाँ, मेरा मानना ये था कि अगर उसे ब्रेकअप ही करना था तो शायद उसे इतना सीरियस होने ही नहीं देना चाहिए था। हम बचपन में रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन सामने वाला कब इतना सीरियस हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और फिर एक दिन इतना बुरा होता है कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और अब धीरे धीरे मुझे पता ही क्या लग रहा था कि अब ना मुझे फंसाया जा रहा है, ये पूरी गैंग है, अब ये धीरे धीरे मुझे अपने जाल में फंसाएंगे और फिर मुझसे पैसे निकलवाएंगे। वो ये सब मिले हुए हैं, लेकिन शायद मैं गलत था। खैर, उस दिन मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि मैं अपने सपनों की रानी से मिल के आ रहा था। उसे मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के एक फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ, और उसने मुझे इस बात की मंजूरी दे दी और हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के फ़ोटो क्लिक करी। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी का कॉल आने लगा तो हमने जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ क्लिक करी और फिर मैंने उसे घर छोड़ दिया। मैं पूरा दिन अपने उस 15 मिनट को याद करता रहा और उसे बार बार थैंक यू बोलता रहा। मुझे तो ये सब सोचने में भी इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आज उससे मिला, क्योंकि ये सब जो भी मेरे साथ हो रहा था ये सिर्फ सपने में होता था। आज ठीक 7 बजे उसका मैसेज आया और मैंने उसकी फ़ोटो को वॉलपेपर पे लगाया और फिर हम दोनों बातें करने लग गए। और थोड़ी देर बाद उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड किया जो था उसके बॉयफ्रेंड की चैट्स का, और उसमें उसकी 20 मिस कॉल्स थी और कुछ मैसेजेस थे जिसमें वो कह रहा था कि मुझे अनब्लॉक कर, अनब्लॉक कर, अनब्लॉक कर। और थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा कि ये क्या है, तो उसने मुझे बताया कि तो कह रहा है कि अनब्लॉक कर। तो मैंने कहा कि ठीक है, कर लो, बातें कर लो, इसमें क्या है, हम थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। तो उसने उसे अनब्लॉक किया और वो बातें करने लग गई, तो वो उसे नीचा दिखाने लगी और ये जताने लग गई कि अब उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर हम कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और उसे ब्रेकअप करना चाहते हैं तो ये हमें कभी नहीं करना चाहिए कि हम उसे ईगो हर्ट करें या फिर उसे नीचा दिखाएं या फिर अपने नए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की फ़ोटो सेंड करके उसे ये बोलें कि देख मेरा नया वाला तुझसे सुंदर है। ये सब बचकानी आदतें होती हैं और प्यार मोहब्बत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो उसे नीचा दिखाने लगी और उसे ये बताने लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है, और फिर उसने वो फ़ोटो उसे सेंड कर दी हमारे हाथ की जो हमने आज क्लिक करी थी, और उसने क्या किया, ये फ़ोटो सीधा डायरेक्ट उसकी मम्मी के व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दी। उसकी मम्मी ने जब उससे पूछा कि ये किसका हाथ है तो उसने अपने मम्मी के सर पे हाथ रख के कसम खाई कि मेरी एक दोस्त का हाथ है। मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि पहली बात तो ये मम्मी बीच में क्यों आ रही है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के, दूसरी बात कि उनको पता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इतना मॉडर्न ज़माना, और तीसरी बात कि वो अपनी मम्मी की कसम भी खा रही है, वो भी झूठी। ओह माय गॉड, सच कहूँ तो मुझे उस वक्त समझ जाना चाहिए था कि इसके सारे वादे इसकी तरह झूठे होने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं समझा। अब मुझे उस बीच थोड़ा अजीब लग रहा था कि इसकी मम्मी तो इसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी जानती है तो फिर मेरा यहाँ होने का तो मतलब ही नहीं बनता है। मे बी इनका रिलेशनशिप बहुत सीरियस रिलेशनशिप है और ये कभी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़का या फिर लड़की तभी अपने घर पर बताते हैं जब वो दोनों या फिर उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। वरना मेरी मम्मी को अगर इतना पता चल जाए तो मेरी मम्मी तो मेरा बातों से ही कत्ल कर दे। उसके अगले दिन उसका एक एग्ज़ाम था और उसने कहा था कि मुझे ठीक 2 बजे भारती कॉलेज के सामने मिल जाना, मैं आपको वहीं मिलूंगी। ऐसा कहकर वो सो गई और अगले दिन मैं ठीक 1:40 पे भारती कॉलेज के सामने पहुँच गया, और 2 बज गए मैं अपनी पलके बिछा के उसका वेट करता रहा करता रहा करता रहा। 2:15 हो गए लेकिन अभी भी मैं उसका वेट करता रहा करता रहा करता रहा। 2:30 बज गए लेकिन मैं अभी भी उसका वेट करता रहा करता रहा करता रहा। 3 बज गए लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा और अभी भी उसका वेट करता रहा करता रहा करता रहा। और जब पारा सर से ऊपर हो गया तो मैं वहाँ से निकल गया। मुझे सीरियसली इतना गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था कि बस एक बार वो सामने होती ना तो मैं सच में उसे बजा देता। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं चला गया अपने एक दोस्त के घर और वहाँ बालकनी में खड़े होकर उसे देखे जा रहा, लेकिन वो नहीं आई। और ठीक 4 बजे के आसपास उसका मुझे एक मैसेज आया
कि मैं घर पे हूँ और एक सीन हो गया है। उस वक्त मैं थोड़ा घबरा गया और जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो उसने मुझे बोला कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अपने घर ले गया ये बोलकर कि तेरी मम्मी मेरे घर पे ही है, मतलब उसका सफ़ेद नहीं सतरंगी झूठ। और फिर मैंने उससे थोड़ा गुस्सा किया और पूछा फिर क्या हुआ, तो उसने बोला कि जब मैं वहाँ गई तो उसकी मम्मी रो रही थी और कह रही थी कि बेटा इसे मत छोड़ो वरना ये मर जाएगा। तो इसने उसकी मम्मी को कहा कि ठीक है आंटी, मैं इसकी दोस्त बन के रह सकती हूँ। ये सब हो क्या रहा था? ये सब मेरे लिए किसी फिल्मी ड्रामा से बिल्कुल कम नहीं था। मेरी ऑलरेडी इतनी मूवीज़ बन चुकी थी मेरी एक्स को लेकर, और ये तो पता नहीं क्या हो रहा था, इतनी खतरनाक मूवी बन रही थी कि मानो मैं तो सोच भी नहीं सकता। फिर मैंने अपने दिल से कहा कि गौरव कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तू उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसे अपने घर ले जाए या कहीं भी ले जाए उन पर डिपेंड करता है, तू बीच में मत पड़। मैंने उससे कहा कि यार देखो ऐसा है कि तुम या तो उससे ब्रेकअप कर लो या फिर तुम उसी के साथ रहो। तो उसने कहा कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो मैंने कहा कि देखो अब ठीक है हो गया ना, तो अपनी बात पे रहना, अब ये बॉयफ्रेंड वाला कोई सीन नहीं होना चाहिए। और ऐसा बोलकर मैं ऑफलाइन हो गया और थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया मुझे कि क्या आप घर पे ही हो। मैंने बोला हाँ। तो उसने कहा कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। और भाई मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और